ग्रेजुअलिज्म क्या है? डार्विन की जो थियरी थी वो ग्रेजुअलिज्म पर बेस्ड थी कि जो एवोल्यूशनरी चेंज जाते हैं स्पीसीज में वो धीरे धीरे स्मॉल फ्रैक्शन में आते हैं और वो इम्परसेप्टिबल होते हैं, उनको एहसास नहीं किया जा सकता और मेनी जनरेशन लग जाते हैं एक मेजर एवोल्यूशनरी चेंज प्रोड्यूस करने में। और ये जो टाइम का इंटरवल होता है थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तब जाके एक चेंज इसमें प्रोड्यूस होता है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस या जो अफ्रीकन मैनर्स हैं उनके अंदर, या एलिफेंट के ईयर्स जो हैं वो बड़े साइज के हो गए ग्रेजुअली, ये पेस ऑफ एवोल्यूशन को बताता है।